नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जैसे कि जब हम लोग कोई मिक्स मास्टर करते हैं तो उसका मेन जो चैनल होता है, जो चैनल से आउटपुट हो जाता है, बेसिकली वो चैनल होता है मेन जगह, मतलब हम लोगों का जो स्टूडियो आउटपुट चैनल होता है। तो स्टूडियो आउटपुट चैनल में हम क्या करें जिसका हिसाब से हम लोगों का काम बहुत अच्छा बने। और ये हम लोग चाहते हैं, जैसे कि उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं ऐसा कोई प्लगइन होगा, जो प्लगइन हम लोग डाल देंगे तो वो प्लगइन उसका काम करेगा और मिक्स मास्टर भी अच्छा बनेगा। तो इस टाइप का कुछ, जैसे कि अभी तो एआई का काम ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है, वही काम कर रहा है। मगर ये मैनुअल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। हम थोड़ा एक एग्जाम्पल आप लोगों को बोल रहे हैं, जैसे कि दूसरा टॉपिक के ऊपर एआई तो काम करता है, ठीक है। एआई के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो उसमें वो काम करता है, मगर फिर भी पास तो कर जाता है, फास्ट नहीं हो पाता है। बेसिकली यही हम बोलना चाहते हैं, मैनुअल काम करने से थोड़ा क्वालिटी अच्छा होता है। और अभी भी ह्यूमन का जो मतलब आप लोग खुद जो कर सकते हो वो एआई शायद नहीं कर पाएगा। अभी तक ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं है जो हमको लगता है। तो एआई हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मगर कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग स्टूडियो चैनल में, आउटपुट चैनल में ऐसा कोई प्लगइन देंगे जिसका मल्टी बैंड लेने का कैपेसिटी है, मतलब मल्टी फ्रीक्वेंसी हैंडल करने का कैपेसिटी है, तभी हम लोग लेंगे। नहीं तो वो सिंगल बैंड कैपेसिटी हैंडल करने का है। अगर आप लोग चाहो तो जैसे कि इस स्टूडियो आउटपुट चैनल में सिंगल बैंड का कोई कंप्रेसर लगा दिया, मगर उसमें सिंगल बैंड पासिंग नहीं हो रहा है, उसमें मल्टीपल बैंड पासिंग हो रहा है। जैसे कि उसके अंदर से वायलिन जा रहा है, उसके अंदर से गिटार जा रहा है, उसके अंदर से एकॉर्डियन जा रहा है, बेस गिटार जा रहा है, किक जा रहा है, रिदिम गिटार जा रहा है, बहुत सारा पियानो जा रहा है। तो इतना सारा जो फ्रीक्वेंसी उसके अंदर से पास हो रहा है, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड का कोई काम नहीं चलेगा। जो हम लोग लगाएंगे वो मल्टीपल बैंड का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। और एआई क्या काम करता है, बेसिकली एआई में जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, जैसे कि इस टाइप का अगर फ्रीक्वेंसी तुमको मिलेगा तो इसको ऐसा कंप्रेस कर देना है, इस टाइप का अगर बस मिलेगा फ्रीक्वेंसी तो ऐसा कर देना है, मतलब वो पास कर जाएगा मगर फास्ट नहीं हो पाएगा, ठीक। तो फास्ट होने का काम जो मैनुअल करोगे तो उसका हिसाब से कर सकते हो। तो हम ऐसे एक आज प्लगइन दिखाएंगे जो बहुत ही अच्छा प्लगइन है, आप लोग यूज़ करके देख सकते हो। तो वो प्लगइन का नेम है, ये भी प्लगइन एलियंस का एलडीआर, जैसे कि पहले जो था उसका अपडेट वर्शन, इसका मल्टीपल मतलब एमबीसी मल्टीपल चैनल में काम करता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं मल्टी बैंड कंप्रेशर इसको बोल सकते हैं। तो मल्टी बैंड कंप्रेसर अगर आप लोग सर्च करोगे, जैसे कि क्यूबेस का जो मल्टी बैंड MULTI मल्टी बैंड कंप्रेसर आप लोगों को मिलेगा, जो क्यूबेस में ऑलरेडी दिया दिया हुआ हुआ है, है सेम सेम चीज़, चीज़। ठीक ठीक है, है, ये ये मल्टी मल्टी बैंड बैंड है। है। तो तो अभी अभी इसका इसका ओवर ओवर नहीं, नहीं हम हम लोग लोग उसके उसके ऊपर ऊपर काम काम करेंगे, करेंगे, इसको इसको थोड़ा थोड़ा सा सा ऑफ कर दे रहा है, ठीक है। तो मल्टी बैंड कंप्रेसर हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें मल्टी बैंड लेने का कैपेसिटी है। तो इसमें क्या क्या है थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहले तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ जो है, लो मिड और हाई का डिवाइडेशन दिया हुआ है। जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी का अंदर क्या पड़ता है और लो फ्रीक्वेंसी का रेस्पॉन्स कैसे आप लोगों को मिल रहा है, तो वो ग्राफ देखने से आप लोगों को पता लग जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग चाहे तो इसके बाद हम लोग एक मल्टी बैंड इक्वलाइजिंग ग्राफ भी लगा सकते हैं, जैसे कि ग्राफ हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसमें ग्राफ थोड़ा क्या चेंज हो रहा है। तो इसमें लो का अलग अलग करके दिया हुआ है, जैसे लो का सेक्शन अलग है, पूरा पूरा ये सेक्शन पूरा लो का है, जैसे कि गेन से चालू करके पूरा रिलीज बोलिए, रेशियो बोलिए, अटैक बोलिए, थ्रेशोल्ड बोलिए, सभी का। इसमें मीट का है, मतलब कंप्रेशर का काम कर रहा है, इसमें मीट का है, थ्रेशोल्ड का है, अटैक का है, पियानो सॉरी रेशियो का है, और रिलीज का है, और लिंक का है। इसमें हाई में भी सेम चीज़ है। राइट साइड में जो है टोन का बारे में दिया हुआ है, जैसे कि जो आउटपुट निकल रहा है उसका टोनल क्वालिटी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसका नीचे में जो है आउटपुट सेक्शन, जो कंप्रेशर इनेबल्ड रहेगा, कंप्रेशर आप लोग डिजेबल करके मैनुअल मोड में भी काम कर सकते हो। जैसे कि ये वाला मोड जो है ये मैनुअल मोड है, ठीक है। मैनुअल मोड अगर ऑन रहेगा तो कंप्रेशर ये डिजेबल कर देने से इसमें भी आप लोग काम कर सकते हो। मैनुअल मोड में कितना लेवल बढ़ाना चाहिए, आउटपुट लेवल कितना चाह रहा है, तो इसको हिसाब से कर सकते हो। मगर
हर टाइम आप लोग जो भी काम करोगे इसका साथ रिलेटेड टू दिस सेक्शन, जैसे कि ये LUFS का लाउडर लाउडर यूनिट फुल फुल स्केल का जो है रिलेटेड टू फुल स्केल, तो वो देखना है, क्योंकि वो अगर नहीं देखोगे, वो अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, क्वालिटी तो जोर से बजेगा तो ठीक है, मगर उसका कोई उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं रहेगा, अच्छा अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए इसको सुनते हैं, जैसे कि इसको लगा के सुनते हैं, और इसका बहुत सारा पैरामीटर भी है, तो वो पैरामीटर भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कितना ज़्यादा पॉलिश हो रहा है, पहले विदाउट देख रहे हैं। अभी काम नहीं कर रही है, अभी इसको ऑन करते हैं। ऑफ करके सुनते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, सबसे बड़ा जो चीज है, जैसे कि इसको जब हम लोग लगा रहे हैं, इसका अगर स्टेडली हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है इसमें, अगर हम लोग सुपरविजन लगाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि इसमें लाउडनेस को दे देंगे, दे के हम लोग इसको चलाएंगे तो क्या हो रहा है, देखते हैं। -15 जा रहा है अभी, हम लोग मिक्स बस भी कर सकते हैं। -16 जा रहा है, अभी इसको हम लोग मैनुअली एडिट कर सकते हैं। साथ साथ ये भी देखना चाहिए ये जगह पर सेफ है कि नहीं, इसको ऑफ करते हैं। अभी देखिए मजा का बात जो ये है, जैसे कि इंटीग्रेटेड में हम लोगों को दिखा रहा है -11.3, ठीक है, इंटीग्रेटेड में -11.3 दिखा रहा है, मतलब अगर हम लोग इसका हिसाब से यही हम बोलना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो नॉर्मली 11.6 होना चाहिए, मगर होगा नहीं, क्योंकि जब हम लोग वेब फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे तो उस टाइम में ये पर्टिकुलर -11.8 जो लगभग -12 का आसपास है, वो -13 में चला जाएगा, क्योंकि
जितना बार आप लोग रेंडर करोगे, जितना बार आप लोग इसका नॉर्मली एक 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 करके रेंडर करोगे, तो उतना बड़ी आप लोगों का फाइल जो है, नॉर्मली जो मेन रॉ फाइल है, वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस का कारण से आप लोग थोड़ा इसको ऐसा कर सकते हो, जैसे कि जितना बार करोगे उतना बड़ी लॉस होता जाएगा। तो इसीलिए -11.8 अच्छा है, -11.8 अच्छा करेक्शन है, मतलब अच्छा अच्छा ये मिक्सिंग मास्टरिंग का एक अच्छा जगह है, तो इसको रख के भी आप लोग कर सकते हो, मगर यही लगाना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे, बेसिकली इसको रिसेंटली हम देखा है, इसीलिए हम इसके ऊपर ट्यूटोरियल दिया है। तो इसका क्वालिटी अच्छा है और ये कंपनी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी का बहुत सारा प्लागिन हम यूज़ करते हैं, प्लागिन अलायंस का, तो ये बहुत अच्छा कंपनी है। और इसका जो मल्टी बैंड कंप्रेसर जो दिया है, मल्टीपल बैंड में आप लोग थोड़ा सा इसका रिलीज अटैक रेशियो और थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करके आप लोग बहुत अच्छा बना सकते हो। और भी एक है, जैसे ये चल रहा है सोलो का ट्यून, आप लोग सुन सकते हो कौन सा नॉर्मली, अगर इसको अगर सोलो करोगे, ओनली हाई बज रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा सोलो करोगे तो ओनली मीट का बज रहा है, इसको अगर सोलो करोगे तो ओनली बेस का बज रहा है। तो ये भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब बेस के अंदर कौन सा, जैसे कि अगर मिडिल में, जैसे मीट को अगर सोलो करते हैं, तो इसमें देखिए हल्का सा स्नेयर आ रहा है, वायलिन तो आ ही रहा है, शेकर आ रहा है, बहुत सारा परकशन आ रहा है। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कौन सा साउंड, मतलब बंच ऑफ साउंड्स इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मीट के अंदर पड़ते हैं। तो ये भी एक सॉल्यूशन बन जाएगा आप लोगों को, जैसे कि इसका अगर ओरिजिनली कोई जगह से बड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग इधर से फेडर से कम कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप से कम कर सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल फेडर से भी कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसीलिए हम इसके ऊपर दिया है ट्यूटोरियल। आप लोग चाहो तो दूसरा भी मिक्स बास यूज़ कर सकते हो, मगर ये प्लगइन अच्छा प्लगइन है, इसीलिए हम इसके ऊपर दिए हैं। आप लोग थोड़ा अगर यूज़ करोगे तो कमेंट सेक्शन में बोलना कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साउंड नॉलेज को और करिए अपने म्यूजिक कॉम्पोजिशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।